मुकदमे की विवेचनाओं में अक्सर दरोगाओं पर विवेचना करने पर रुपया लेन देन आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन कोई साक्ष्य न मिलने पर इन आरोपों को खारिज कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला जनपद झांसी के कोतवाली गरौठा में आ चुका है। यहां एक गबन के आरोप के मुकदमे में विवेचना कर रहे हल्का इंचार्ज ने मुकदमा वादी से 30,000 की मांग की है। आज वह दरोगा 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हो गया। मामला जनपद झांसी के गरौठा थाना में तैनात उप निरीक्षक ब्रजेश सिंह का है। बताया जा रहा है कि ग्राम रमोरा निवासी छोटे निषाद ने मोती कटरा के पूर्व प्रधान के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक ब्रजेश सिंह द्वारा की जा रही थी। आरोप था कि छोटे निषाद से दरोगा ब्रजेश सिंह आरोपी पूर्व प्रधान महिबत की गिरफ्तारी के लिए 30,000 रुपए मांग रहा था। इसकी शिकायत छोटे निषाद ने एंटी करप्शन टीम से की थी। कानपुर मुख्यालय के निर्देशन पर गठित की गई एंटी करप्शन टीम के निर्देश पर आज छोटे निषाद दरोगा ब्रजेश सिंह को 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया गया है। क्या घटना हो गई आज यहाँ पर? घटना सारी हुई कि हमारा एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था सन 2012 में, मुकदमा संख्या था 33/12। 2012 से बराबर विवेचना चलती रही, जिसके पूर्व में जो उदयवान गौतम थाना प्रभारी थे उन्हें एफ आई आर लगा दी थी, पुनः न्यायालय में पेश हो गई थी। न्यायालय जब पेश हुई हमारी पत्रावली, तो प्रोटेस्ट दाखिल करके हमने दोबारा एफ आई आर को निरस्त हुई निरस्त होकर के पुनः विवेचना हेतु यहाँ गरौठा थाने पर फाइल आई। तो ब्रजेश कुमार जी हैं जो हमारे विवेचक थे और वो विवेचना कर रहे थे। आरोप पत्र भी सिद्ध हो गए हैं, मुलजमों को भी सब कंप्लीट चार्जशीट हो गई है। अब वो कह रहे थे कि आप रिश्वत दो तो हम चार्जशीट लगाएंगे और मुलजमों को गिरफ्तार करेंगे। जिसमें मुलजम कौन कौन है? मुलजम महिपत सिंह यादव भी बहुत प्रभावशाली हैं और गुंडा कस्बे के व्यक्ति हैं, कई उनके ऊपर मुकदमा भी अपराधिक है और वर्तमान में मुलजम भी हैं और बालू का घाट भी चला रहे हैं। हाँ, वो इनके संपर्क में रहे थे कि इसी एवज से गिरफ्तारी टाल रहे थे और जो रुपये मांग रहे थे कि आप आरोप पत्र दाखिल हो मुलजम गिरफ्तार करने के लिए आप रुपये दो, तो हमने रंगे हाथ उनको 5,000 रुपये में पकड़ा दिया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम छोटेलाल निषाद है, निवासी रमोरा के।